तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और आज हम बात करने वाले हैं CUET PG MA संस्कृत एंट्रेंस के बारे में। ठीक है, तो कि जो लोग MA संस्कृत से MA करना चाहते हैं, चाहे वो JNU में करना चाहते हैं, DU में करना चाहते हैं या फिर BHU, आजकल तो यूनिवर्सिटियां मर्ज कर दी गई हैं, तो आपको किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से तैयारी करनी है, उसके बारे में वहाँ सारी चीज़ें को बात करने वाले हैं। तो चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यार, आपका जो सिलेबस है वो चार भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला जो है वो वैदिक है, जो पहला है वो वैदिक साहित्य हो गया, दूसरा जो है दर्शन है, तीसरा जो है व्याकरण, चौथा जो है लौकिक साहित्य में डिवाइड किया गया, जहाँ जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो, जो लोग भी तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी CUET PG की तैयारी करने जा रहे हैं संस्कृत के लिए, उनके लिए सबसे पहला काम करना है कि पुराने क्वेश्चन पेपर देखना है। क्वेश्चनों का पैटर्न काफी चेंज हुआ है पहले के अनुसार अब के अनुसार। ठीक है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना। देखो, पहले जो क्वेश्चन आते थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। अगर आप JNU के देख रहे हैं, JNU के लिए तो इस बार जो था वो 75 क्वेश्चन ही माने गए थे, जो फर्स्ट दो पार्ट में आते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, 75 प्लस 25 नंबर के आपके आते हैं फर्स्ट पेपर, जिसमें आपको जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज आदि सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और सेकेंड पेपर होता है आपके सिलेबस का, जो संस्कृत का होता है। JNU में जो होता है 75 क्वेश्चन जो संस्कृत के होते हैं उसी का ही मान्य होता है, बाकी 25 नंबर के जो फर्स्ट पेपर वो नहीं जोड़ा गया था। इस बार का प्रोस्पेक्टस आप जरूर देख लीजिएगा कि उनकी मान्य है या नहीं। ठीक है, परंतु DU की बात करें या फिर BHU की, तो वहाँ पे जोड़ा जाता है, अदर यूनिवर्सिटियों को जोड़ा जाता है। 44 यूनिवर्सिटियाँ मर्ज कर दी गई हैं, तो सभी का पेपर एक ही होता है। उसके बाद कट ऑफ बनाई जाती है, उसके बाद आपको चुनना होता है कि कहाँ कहाँ आपको क्या कहते हैं, कौन से यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, कौन से नहीं, तो वहाँ पे रेफरेंस बाद में मांगा जाता है, वो सब चीज़ें बाद की बात है। ठीक है, तो देखो, वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य तो मैंने पूरा करवा दिया है, चैनल पे हमारे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वैदिक साहित्य पूरा करवा दिया जाए। ठीक है, पूरी तरह से। अब मुझे दर्शन करवाना है, व्याकरण करवाना है और लौकिक साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वैदिक साहित्य में थोड़ा सुप्त उक्त पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैदिक साहित्य में देखो, ऋग्वेद से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये चार चीजें आ जाती है। इसका सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, सारा पूरा करवा दिया है मैंने, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल हमारा है संस्कृत XYZ, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे भेजता रहूँगा नोट्स और, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है व्याकरण। व्याकरण में आपको जो होता है संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, प्रत्यय हो गया, ये सारी चीज़ें, या फिर जो संज्ञा विधायक सूत्र हो गए, सारी चीज़ें सूत्र आपसे पूछे जाते हैं लाइन टू लाइन। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको कुछ दिनों में करवा दी जाएगी। ठीक है, मेन इसके लिए आपको क्वेश्चन देखना है, पुराने PYQ आपको 100% देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तभी आपके समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया। जैसे वैदिक साहित्य जब आप करेंगे, तो वैदिक साहित्य में कहाँ से आ जाता है, सुक्त उस पूछ लेता है, आप सुक्त पढ़ेंगे नहीं, जबकि सुक्त को अच्छे ढंग से पढ़ना है। देखो, JNU के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं भी JNU में पढ़ता हूँ, मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, अगर JNU के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप पुराना जो ओल्ड क्वेश्चन, ओल्ड सिलेबस है, उसमें सभी चीज़ें दिया, एक एक करके दिया है, आप सर्च करेंगे तो शायद मेरी वीडियो आपको मिल जाएंगी, उसमें देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से उसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस जब ओपन, क्योंकि इस बार तो आपको डायरेक्ट सीधे दे दिया, आपको साहित्य पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो ओल्ड सिलेबस देखिए, जिसमें पूरे ओपन ओपन दीजिए, चाहे DU का हो, चाहे BHU का हो, चाहे JNU का हो, पुराने सिलेबस से आपको यह पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, उस चीज़ों को देख लीजिएगा, क्वेश्चन पुराने जरूर करिएगा। ठीक है, तो आपको ये जो व्याकरण का और वैदिक साहित्य का, ये आराम से निकल जाएगा। अब बता, दर्शन, दर्शन में आपको सामान्य परिचय दर्शन का तो पूछता ही, परत उसके जो प्रकरण ग्रंथ है, जैसे सांख्यकारी क्या हो, योग सूत्र हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जो योग दर्शन हो गया, ये योग दर्शन में जो सारी चीजें आ गई, ये सारा चीज आपको न्याय, तर्क, भाषा, ठीक है, तर्क संग्रह, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। ये मत सोचिएगा कि ये नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी सामान्य परिचय पढ़ के जाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो, सामान्य परिचय आपको पढ़ के जाना है, सामान्य परिचय मैंने दर्शन का करवा दिया है दो, ठीक है, आस्तिक दर्शन क्या होता है, नास्तिक दर्शन क्या होते हैं, अब बचे हुए उसके प्रकरण ग्रंथ, उनके प्रकरण ग्रंथ अभी करवाना शुरू कर दिया है मैं, कुछ दिनों में आपके 6 बजे रोज वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा, किसी के दिन गैप करके भी आ सकती है। ठीक है, अब लौकिक का बचा, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, ठीक है, यहाँ से सामान्य परिचय आपकी उक्ति उक्ति थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, इसके एक कहानी की तरह पढ़ के उसके बाद इससे क्वेश्चन कीजिए पुराने ईयर के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब बचता है आपको, तो हाँ, तो चार पार्ट हो गया, इस पर बहुत ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। वैदिक हो गया, जहाँ पे आपको सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनके सूक्त, सूक्तों को पढ़ना है, पारायण कर लेना है, रोज ऐसे सुनते रहो, यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, और उसके बाद जो व्याकरण का है, व्याकरण के लिए संधि समास आप लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ सकते हैं। वैदिक साहित्य के लिए आप क्या कीजिए कि वैदिक साहित्य जो आपको करना है उसके लिए आप उमाशंकर ऋषि शर्मा के संस्कृत साहित्य का इतिहास आता है, कपिल देव द्विवेदी की व्याति, तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, व्याकरण के आप लघु सिद्धांत कौमुदी ले लीजिए, उसी के अनुसार पूछता है। ठीक है, उसके बाद मेन जो आता है लौकिक साहित्य में भी आपको मिल जाएगा इसी संस्कृत साहित्य के इतिहास में, तो वहां से आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है दर्शन। दर्शन के लिए आप प्रतियोगिता दर्शन, प्रतियोगिता क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं,
सर्वज्ञ भूषण की एक किताब आती है, ठीक है, संस्कृत दर्शन करके, जिसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, अब तो मॉडिफाई करके दिया कि वो ले लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, वो आपके यूजीसी तक के काम में आएगा, जब यूजीसी का एग्जाम जम देंगे एमए के बाद ना, तो वहाँ तक वो काम आएगा, तो उस चीज़ को ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, अब मैं रेगुलर रहूँगा यूट्यूब पर, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें आती है सारा चीज़ बताता रहूँगा, तो ठीक है, वो ये सारी बुकें आपके पास जानी चाहिए, चार बुक जो है, एक तो संस्कृत साहित्य का इतिहास हो गया, लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण के लिए, ठीक है, दर्शन के लिए सर्व ये भारतीय दर्शन करके एक आती है सर्वज्ञ भूषण की, संस्कृत गंगा की, वो ले लीजिएगा, लौकिक साहित्य आपको इसमें मिल जाएगा, अधिकतर बाहर से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ ये चीज़ें यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वैसे भी अधिकतर चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद हैं, आपको अगर देखना है तो देख लीजिएगा, बाकी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।